हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज सॉल्यूशन। सपोज दैट इसको देख के आप ये बता सकते हो ये प्योर सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन है। अगर इसमें नमक डिसॉल्व होगा क्या आप इसको अपनी नेक्स्ट आई से देख के ये बता सकते हो इसमें नमक डिसॉल्व है या नहीं है? यानी कि आप बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और इसमें जो इंडिविजुअली कंपोनेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं। यानी कि आप इन इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एज वेल एज इट्स लॉस्ट एंड एज वेल एज एंड कैन नॉट सेपरेट बाय सिंपल मेथड, और इन्हें हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। टू कंपोनेंट होंगे, दैट इज फर्स्ट इज सॉल्यूट, सेकेंड इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट को इन जनरल हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को इन जनरल हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मोस्टली जो सॉल्यूट होता है उसे कहते हैं जिस जो स्मॉलर अमाउंट प्रेजेंट हो। सॉल्यूट मींस ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉलर अमाउंट प्रेजेंट होगा दैट इज सॉल्यूट, और ऐसा कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट प्रेजेंट होगा दैट इज सॉल्वेंट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसका अमाउंट ज्यादा हो वही सॉल्वेंट हो और जिसका अमाउंट कम हो वही सॉल्यूट हो। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर हमारे पास 30 ग्राम शुगर है, 70 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है और मिलाने के बाद क्या बना है, एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। तब आपको आइडेंटिफाई करना है सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। जिसका अमाउंट कम है यानी कि शुगर का अमाउंट कम है तो यहाँ शुगर सॉल्यूट होगी और ये जो वाटर होगा दैट इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 60 ग्राम इथाइल एल्कोहल प्लस 40 ग्राम वाटर मिक्स करके क्या बना है, सॉल्यूशन। यानी कि किसका अमाउंट कम है भाई, वाटर का, तो यहां पर वाटर किसकी तरह ट्रीट करेगा, सॉल्यूट की तरह। यहां पर इथाइल एल्कोहल किसकी तरह ट्रीट करेगा, सॉल्वेंट की तरह। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, 40 ग्राम वाटर प्लस 60 ग्राम शुगर मिलकर क्या होना है, एक सॉल्यूशन। क्या आपके हिसाब से ये जो 60 ग्राम शुगर है वो सॉल्वेंट होगा? इसका अमाउंट ज्यादा सॉल्वेंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो मोस्टली सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन की जो फाइनल स्टेट होती है वही सॉल्वेंट होती है। फाइनल पोजिशन, फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसकी जो ये जो स्टेट में होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, ये होगा लिक्विड स्टेट में होगा, और जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वह भी आपका लिक्विड स्टेट में फॉर्म होगा। इसलिए यहां पर वाटर सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेगा और यहां शुगर सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेगी, इसलिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली इस चैप्टर में, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म को हमने टू ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए, नेक्स्ट इज ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमने ऐसी कंसंट्रेशन टर्म ली जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो, ग्रुप बी में हमने ऐसी कंसंट्रेशन टर्म ली जो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट हो। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो कंसंट्रेशन टर्म होंगी जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगी, जो वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगी, यानी कि वॉल्यूम रिलेटेड होंगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सपोज दैट किसी बोतल का कॉक नहीं खुल रहा है, तो आप इसे हीट अप करोगे तो इजीली कॉक ओपन हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन सपोज दैट, यानी ग्रुप बी में हमने ऐसी कंसंट्रेशन टर्म ली जो मास रिलेटेड हो, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी का वेट इंक्रीज हो जाएगा? सपोज दैट इस रूम में का टेम्परेचर सपोज है आप मानो 20 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा वेट है 75 किलोग्राम। अगर मैं धूप में आके खड़ा हो जाऊं क्या मेरे वेट में कोई इंक्रीजमेंट आएगा? कोई इंक्रीजमेंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो वेट होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो ग्रुप बी में जो हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं वो ऐसे पढ़ेंगे जो मास रिलेटेड हो और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। तो हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम रिलेटेड में कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है। फर्स्ट इज परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वी बाई वी। सेकेंड इज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड इज मोलरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है और इसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं।
एंड फोर्थ इज नॉर्मेलिटी एंड फिफ्थ इज पीपीएम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। पीपीएम का यूज हम इसलिए करते हैं जब आपका सॉल्यूट वेरी माइन्यूट अमाउंट प्रेजेंट हो, जब सॉल्यूट आपका बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होगा तब हम पीपीएम का यूज करेंगे। अब हम ग्रुप वी में बात करते हैं। फर्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज बाय वेट, यानी कि परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। सेकेंड इज मोलैलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म है, दैट इज इसको हम मोलर कंसेंट्रेशन भी कहते हैं, सॉरी मोलर कंसेंट्रेशन। एंड थर्ड इज मोल फ्रैक्शन। ये जो तीन आपकी कंसेंट्रेशन टर्म है इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार इन कंसेंट्रेशन टर्म्स का यूज चैप्टर में होने वाला है। इसका मतलब आपको इन कंसेंट्रेशन टर्म को बहुत ध्यान से पढ़ना है। लेकिन जितनी भी कंसेंट्रेशन टर्म है सब में एक चीज कॉमन ये है, सभी में ऊपर क्या आएगा आपका सॉल्यूट और नीचे क्या आने वाला है सॉल्यूशन। लेकिन मोलैरिटी इकलौती ऐसी कंडीशन है जहां ऊपर आता है आपका सॉल्यूट नीचे आता है सॉल्वेंट। सपोज हम बात करें परसेंटेज वेट बाय वेट, तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम यानी कि परसेंटेज वी बाय वी, तो ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और परसेंट की बात कर रहा तो इनटू 100। अगर हम बात करें परसेंटेज डब्ल्यू वाई वी, तो ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से हम सभी कंसेंट्रेशन टर्म को वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वी बाई वी, इसका मतलब होगा जैसा कि आपको सिंपल देख के भी बता सकते हो, ऊपर क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज परसेंटेज वी बाई वी। अगर आप सिंपल इसको डिफाइन करो तो ये भी कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml present 100 ml of solution, that is called percentage by volume, यानि के volume of solute in ml present 100 ml of solution, 100 ml solution में जितना volume solute का present होगा वही क्या होगा percentage by volume। सपोज हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम कहने लगे मेरे पास 30% बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, हमारे पास 30% बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल का है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 30 ml इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल किससे प्रेजेंट करते हैं C2H5OH से, 30 ml इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 30 ml इथाइल एल्कोहल 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो बचेगा क्या बचेगा सॉल्वेंट क्या होगा वो आपका बताओ भी। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में कोई सॉल्वेंट गिवन अप नहीं है तो आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानोगे दैट इज वाटर। सॉल्वेंट क्या होने वाला है आपका वाटर, सॉल्यूट क्या होगा आपका दैट इज इथाइल एल्कोहल जिसका वेट कितना है आपका 30 ml। अब बताओ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का वेट कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 100 माइनस 30 इक्वल टू क्या जाएगा 70 ml।